आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हम एग्जिट पोल्स के बारे में सुनते हैं, बट आखिरकार एग्जिट पोल्स होते कैसे हैं? भाई मुझे तो कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया कि तुम किसको वोट दोगे, तो बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स आप जरूर अवेल करें। प्रशांत सर ने भी एक लाइव सेशन लिया है, मैं चाहता हूँ लाखों लाखों बच्चे इसे लें, आपकी जिंदगी बदलने वाली है 300 रुपये में। तो फटाक से पहले उस लाइव सेशन को बस देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। तो 30 नवंबर को एग्जिट पोल्स आए 5 राज्यों के, है ना। अब आप देख ही सकते हैं इसमें, वैसे तो ये रिजल्ट रहा है टोटल, और 5 राज्यों में भी, मिजोरम में भी इलेक्शंस हो गए। तो ये देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्जिट पोल्स। अब इसमें टाइम्स नाउ की अगर बात करें तो 109 से 125 सीटें यहाँ पे दी जा रही थी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जो कि नहीं मिली है, है ना, बीजेपी को इतनी। तो यहाँ पे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुआ। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल्स काफी हद तक ठीक साबित हुआ है, ठीक है। दैनिक भास्कर का भी सही, मतलब ये है एग्जिट पोल्स, आप बेसिकली देख लीजिए। तो इसमें इंडिया टुडे को छोड़ के बाकी कोई खास एग्जिट पोल्स किसी के साबित हुए नहीं। राजस्थान की अगर बात करें तो उसमें राजस्थान में यहाँ पे एग्जिट पोल जो है टाइम्स नाउ का सही साबित हुआ है। इंडिया टुडे का काफी ज्यादा ठीक है, ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं। देखिए एग्जिट पोल्स, ये रिजल्ट को कंपेयर करिए और किसने कितना किया है। उसके बाद फिर आप छत्तीसगढ़ में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में भी सेम, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें मिली है बीजेपी को, जो कि एक जबरदस्त आंकड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी को कोई भी एग्जिट पोल 54 सीट दिखाई नहीं रहा बीजेपी को, आप ये देख सकते हैं। इसमें कांग्रेस को ही जीतता हुआ दिखा रहे थे। ओके, तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64 सीटें मिली हैं। तो काफी एग्जिट पोल से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64 सीटें जो है वो जीतते हुए दिखा रहे थे। ओके, तो अभी एग्जिट पोल्स होते क्या है? ये बेसिकली सर्वेज होते हैं, सर्वेज होते हैं जो कि वोटर्स, जो वोट देने वाले हैं वोटर्स, हम 18 साल से ऊपर, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ पहले एज 21 साल थी वोट देने की, इसको 18 साल किया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट में और कब। तो यहां पे जब पोलिंग स्टेशन, जब इलेक्शन होता है, राइट, जब इलेक्शन खत्म हो गया तो हम वोट देके बाहर निकले, तब पूछा जाता है एग्जिट पोल्स, एग्जिट ना एग्जिट, ठीक है। जब आप बाहर निकल के वोट देके बाहर निकल रहे हो तब पूछा जाता है कि भैया किसको वोट दिया, तो वहां पे ये बताते हैं कि इनको वोट दिया और उस हिसाब से एग्जिट पोल्स जो है वो निकाले जाते हैं। पर्पस क्या है? सिंपल सी बात है कि इंफॉर्मेशन, किस तरीके से लोग वोट करते हैं और उनकी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी। अब याद रखिए कि यहां पे हर पोलिंग स्टेशन को कवर नहीं किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि एग्जिट पोल्स वोट देने से पहले, नहीं, वोट देने के बाद यहां पे लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि वोट देने से पहले से कोई फायदा थोड़ी ना। आप मुझसे पूछेंगे किसको, मैं बोलूंगा बीजेपी को और जाके मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो बात उतनी सी है, लेकिन यहां पे भी क्या पता लोग, हो सकता है सच ना बोल रहे हो। और एग्जिट पोल्स पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं। तो ये पहले दे प्रोवाइड अर्ली इंडिकेशन कि भाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है। ऑफिशियल रिजल्ट से पहले ही ये इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बता देते हैं। एग्जिट पोल्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने शुरू करवाया था 1957, जब सेकेंड इलेक्शन थे ना, तब एग्जिट पोल्स जो है वो शुरू हुए थे 1957 में। कई बार बैन भी लगा और अभी भी एग्जिट पोल्स बैन है। एक बार वोटिंग पूरी हो जाए तब आप एग्जिट पोल्स के रिजल्ट, उससे पहले आप एग्जिट पोल्स नहीं करा सकते, याद रखिए। तो बहुत सारी, अभी तो काफी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, सभी न्यूज चैनल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एग्जिट पोल्स जो है वो करवाते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि 1998 से लेकर 326 में इलेक्शन कमीशन आता है, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 324 से और 326 इसमें ये आता है। तो ये आर्टिकल 324 में पूरी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो ओपिनियन है, ठीक है, मतलब आपको पता ही है कि आचार संहिता लग जाती है, ठीक है। तो अब उस समय आप एग्जिट पोल्स, जब जिस वर्ल्ड, जिस वक्त, जब वोटिंग से पहले या वोटिंग चल रही है उस वक्त आप एग्जिट पोल्स को नहीं पब्लिश कर सकते, ठीक है। इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे? मान लो पहले ही आपने रिजल्ट दिखा दिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी एग्जिट पोल्स का होता है। आजकल के न्यूज चैनल क्या है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का है, बायस्ड है। हर न्यूज चैनल की अपनी अपनी, कोई बहुत कम ऐसे न्यूज चैनल जो अनबायस्ड आपको दिखेंगे, लेकिन ज्यादातर न्यूज चैनल या तो कांग्रेस या बीजेपी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है वो उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं, जो वोटर्स उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
1999 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी भी गाइडलाइंस, मतलब अगर इस तरीके के पोल्स जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो आप उनको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फिर देखिए क्या है कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमने हर चीज के लिए बना दिया, ठीक है, सब कुछ साथ लगभग हर एक चीज उसमें कवर कर ली, बट एक दो चीज भूल गए। उसमें यह था कि एमएलएज और एमपीज का व्यवहार कैसा होगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन हैं वो कैसे रहेंगे। तो इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करे, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट आता है 1951 में। आप इसमें क्या बिहेवियर होगा, कैसे आपको बिहेव करना है, जो हमारे एमएलए एमपी है वो कैसे बिहेव करेंगे, सारी जानकारी जो है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में दी गई है। तो इसका 126A ये बताता है कि भाई देखो 2010 में इसको लागू किया था कि भाई यहां पे सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन है वो एग्जिट पोल्स पे ही होंगे, ओपिनियंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओपिनियन दे सकते हो, बात कर सकते हो, एग्जिट पोल्स पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लेकिन एक बार वोटिंग पूरी हो जाए तब आप जाके, अभी अगर बात करते हैं ना तो वही कि जब पूरा आखिरी फेज ऑफ इलेक्शन पूरा हो जाए तभी एग्जिट पोल्स आते हैं, उससे पहले नहीं। और अगर कोई इसको वॉयलेट करेगा, कई बार वॉयलेट भी हो जाते हैं, अब कार्रवाई होती है नहीं होती है तो बात की बात है, उसको 2 साल तक या फाइन, दोनों ही जो है वो झेलना पड़ सकता है। अब दो तरीके की चीजें, एक तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता क्या है कि एग्जिट पोल्स कैसे, मतलब ये तो हमने बता दिया कि एग्जिट पोल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उनसे क्या क्या पूछा जाता है, मतलब आप बाहर आएंगे, हेलो सर आइए, क्या किसको वोट दिया, ऐसे नहीं डायरेक्ट। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर्स होते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ सर्वेस विच इंक्लूड्स एग्जिट पोल्स वर्क्स ऑन द अजम्पशन दैट डेटा वर कलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यूइंग लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लोग स्किप कर लेते हैं, आप जाओ जोर जबरदस्ती, कुछ लोग रुक जाते हैं। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि सैंपल साइज बहुत बड़ा हो, बहुत लोग जो है, जो भी आप ये समझिए कि जितना बड़ा सैंपल साइज है उतना एक्यूरेट डेटा आपके पास होगा, तो आप उसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लोगों को बैठा के रखती है कि भैया कोई भी बाहर जाए तो उनसे पूछ लो, ये लिमिटेड पोलिंग स्टेशंस पे होता है, इसलिए सैंपल साइज कम होता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स पे विश्वास नहीं करता। आप बताइएगा आपको क्या मानना है। तो ये चीज है, तो टेलीफोन पे भी पूछा जा सकता है, आपको आधा होगा, हेलो सर मैं यहां से बोल रही हूं, आप किस पार्टी को वोट देंगे, ठीक है, सवाल 4-5 होते हैं, या फेस टू फेस। अब जैसा कि हमने बताया कि 1957 में ये शुरू हुआ था सेकेंड लोकसभा इलेक्शन में, तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने एक पोल को कंडक्ट करवाया था, लेकिन कितने भी गेस कर दो, कितना भी, जरूरी नहीं है कि मेथडोलॉजी जो है, जो मेथड यहां पे फॉलो किया जा रहा है वो एकदम सही हो। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर अगर नहीं हो तो डेटा को आप कलेक्ट नहीं कर सकते, प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बाद जो है वो डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कई बार लोग झूठ भी बोल देते हैं, बट क्वेश्चन जब बहुत सारे पूछते हो ना तो आप झूठ निकल नहीं सकता, तो उसी के बाद एनालाइज किया जाता है, काफी मेहनत लगती है एग्जिट पोल्स पे, ऐसे ही नहीं हवा में निकाल दिया जाता है। फिर सैम्पलिंग मेथड होता है, तो क्वेश्चन केयर के बाद फिर कितना कितना बड़ा सैंपल साइज है, सो द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड यूज इन कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स इज क्रूशियल। सबसे बड़ी तो यही है ना कि भाई कितने लोगों को आप जाके उनका सर्वे कर रहे हो, कितने लोगों से पूछ रहे हो, सैंपल साइज आपका कितना है। अ वेल डिजाइंड एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज मोर लाइकली टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। सम कॉमन पैरामीटर्स फॉर अ गुड और एक्यूरेट ओपिनियन पोल वुड बी अ सैंपल साइज दैट इज बोथ लार्ज एंड डाइवर्स, जितना ज्यादा क्लियरली कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है विदाउट एन ओवरट बायस। अब जैसे भारत में, अब मान लीजिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हो रहे हैं, अब नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, मान लीजिए आसाम में इलेक्शन हो रहे हैं, अब भले वो एक राज्य है लेकिन वहां पे भी बहुत सारी ट्राइब्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेघालय के एग्जाम्पल लेता हूँ, मेघालय में गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स हैं, ठीक है, और उसमें फिर फर्दर बहुत सारी सब ट्राइब्स हैं। तो अब आपको क्वेश्चन ईयर, एक तो सैंपल साइज आपको बड़ा है डाइवर्स, और क्वेश्चन ईयर भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये चीज, यानी कि स्ट्रक्चरल क्वेश्चन ईयर और सैंपलिंग बढ़िया अगर होता है, बड़ा होता है, डाइवर्स होता है, क्वेश्चंस डाइवर्स होते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी, लगातार फोन करो, जो इंटरव्यूज है ना वो जो कंडक्ट हो उनको दिखाओ, इमेजेस दिखाओ, फोन कॉल्स फील्ड पे। ऐसा नहीं कि कई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस हवा में उड़ा दिया, है ना, आपको जाके मेहनत, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे आप सैंपल जो है, मतलब ये बढ़ा सकते हो। अब आजकल के जमाने में सैंपल और भी बहुत ऐसे ही सर्वे कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन डाल दिया जाता है, बताइए आपने किसको वोट दिया है, तो बहुत लोग ऑनलाइन जाके वोट देते हैं, व्हाट्सएप की अगर बात करते हैं, टेलीग्राम, बहुत सारे आजकल, तो मतलब सैंपल साइज काफी बड़ा हो सकता है, आप काफी लोगों तक रीच कर सकते हो। फिर स्विंग मॉडल होता है, ठीक है, लेकिन इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। द प्रेडिक्शन ऑफ सीट इज बेस्ड ऑन स्विंग मॉडल, कितनी सीट मिलेंगी। द पोल मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ वोट शेयर फॉर डिफरेंट पार्टीज एंड अलायंसेज बाय इंटरव्यूइंग सिलेक्टेड रेस्पोंडेंट। तो जिनको भी
भाई आइए आप बैठिए, आपने किसको वोट दिया है उस हिसाब से, ठीक है, कितने वोट, क्योंकि देखिए यहां पे वोटिंग पे डिपेंड करता है। सीट छोड़ दीजिए आप, वो अमेरिका वाला हिसाब किताब नहीं कि विनर टेक्स ऑल, कि अगर कोई वहां पे दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जीता, तो अगर मान लीजिए कि एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट खड़े, एक को 10,000 वोट मिले, दूसरे को 8,000 वोट मिले, तो ए जीत गया, तो जो दूसरे वाले के भी 8,000 वोट है ना उसको चले जाएंगे। यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स मिले हैं उनको बांटा जाता है और उसके बाद फोरकास्ट बनाया जाता है कि आखिरकार किसको कितनी सीट जो है वो मिलने वाली है। तो लोकेशन हो गया, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, लेवल्स ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक क्लास, ये सारी चीजें जो है इन्हीं पे बेस पे इलेक्शन होता है और इन्हीं के ही बेसिस पे एग्जिट पोल्स भी होते हैं। ओके, तो ये चीज है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कई बार बायसनेस। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो मीडिया हाउसेस हैं कोई ना कोई ओन ही कर रहा है, कोई एमएलए एमपी ओन कर रहा है, तो वो उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। फिर उसके बाद कई बार जो टाइमिंग्स होती है और जो नेचर होता है सैंपल का, उसमें भी कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं कि सैंपल साइज किसी पर्टिकुलर को ही फेवर करके जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद की बहुत सारे एग्जिट पोल्स जो है वो राइवल्सी जो है वो उसको मोटिवेट करते हैं और कितने एक्यूरेट है भी नहीं, इस पे भी ये जो है बातें की जाती हैं। ओके, तो ये चीज है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो जैसे अगर यूरोपियन कंट्रीज हैं तो 16 यूरोपियन यूनियन ने, जो कंट्रीज है 16 यूरोपियन यूनियन देशों ने, ये ओपिनियन पोल्स को बैन किया गया है, ठीक है ना, कि 24 घंटे से पहले जब रिजल्ट आएंगे उससे 24 घंटे से पहले आप एग्जिट पोल दिखाओगे, उससे पहले नहीं। अब इटली, स्लोवाकिया और लुक्जमबर्ग ने ये बोला है कि भाई 7 दिन से पहले आप एग्जिट पोल्स जो है वो दिखा सकते हो। फ्रांस ने इसको 24 घंटे, ठीक है, अगेन 24, ज्यादातर 24 आरसी होते हैं, यूके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं पे भी दिखाओ, ठीक है, ये चीज है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पोलिंग एजेंसीज है उनको एक एक डिटेल देखनी चाहिए, देनी चाहिए कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया किस बेसिस पे आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने खाली पढ़े लिखे लोगों को चूज किया जिनका, जो खाली इंजीनियर्स हैं, तो भाई बाकी एमबीए वालों का क्या, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, बाकी जो रिक्शा चला था उसका क्या, या जो नहीं पढ़ा है, तो यह भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्ट किसको किया है। इसीलिए कई बार एग्जिट पोल्स जो है ना वो गलत साबित हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इलेक्शन अथॉरिटीज, मीडिया एंड पोलिंग एजेंसीज, इसमें भी आपको डिफाइंड गाइडलाइंस प्रॉपर मिल सकती है। इसमें भी इलेक्शन अगर अथॉरिटीज इसमें काम करे, मीडिया भी प्रॉपर काम करे, तो आपको अच्छा एग्जिट पोल देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगेन कि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें भी वैल्यूएबल इंसाइट दे सकता है कि क्या इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये छोटा सा लेक्चर था, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।